देवास नगर निगम की पहली बैठक बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर पार्षदों ने अपनी बात सभापति रवि जैन के सामने रखी। विपक्ष के कांग्रेसी पार्षद दीपेश कानूनगो ने भी कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही सत्ता पक्ष के नेता मनीष सेन ने भी 2014 में हुए टेंडर को लेकर सवाल उठाए हैं। हम लोगों ने 12:30 बजे का बैठक का समय रखा है और सभी पत्रकारों को एवं सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। हमारा जो एमजी रोड है उसको हम लोग 15 मीटर चौड़ा करने जा रहे हैं, जो सयाजी द्वार से लेकर जनता बैंक तक रहेगा, वो पूरा मास्टर प्लान के तहत चौड़ा होगा। और दूसरा जो रोड है वो बस स्टैंड से लेके जो शामलात रोड है वो बस स्टैंड से लेके तो राजवाड़े तक पूरा वो रोड है वो 12 मीटर चौड़ा होगा। उसकी अतिक्रमण बिल्कुल निश्चित तौर पे, और हमें उसमें जनभागीदारी मिलेगी, जनता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि शहर के विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण थे ये दो रोड का चौड़ीकरण।